तो दोस्तों ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। इस वीवो कंपनी का मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल फ़ोन डेड आया है। मार्केट से जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन बनने के लिए आते हैं तो हम उनका केस स्टडी बनाते हैं कि मतलब डेड मोबाइल फ़ोन आया तो इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे और रिपेयर कैसे करेंगे। आपके पास आज जैसे डेड फ़ोन आया है तो इसको चेक करने का सबसे पहले तो काम है तो आपको मोबाइल फ़ोन खोलना पड़ेगा। जितने भी सारे नए लोग होते हैं उनके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको सिम ट्रे खोलना है। क्या खोलना है? सिम ट्रे। ये सिम ट्रे बाहर निकाल लेनी है। जब भी आप मोबाइल फ़ोन को खोलेंगे तो ध्यान रखेंगे जैसे मोबाइल फ़ोन खोलेंगे उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन को पैक करना है। तो मोबाइल फ़ोन खोलते समय ध्यान रखना है उसका जो सामान है उसको बिल्कुल सेफ्टी से रखना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। अगर इधर उधर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको लगाना भी तो है ना किसी का। ये खुल गया, खुलने के बाद ये फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है, फिंगरप्रिंट के पत्ते को आसानी से रिमूव कर देंगे। उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन के हम लोग स्क्रू खोलेंगे। सबसे कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो पहला काम आपको तो बनता है कि आप उसकी बैटरी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बैटरी चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज है कि नहीं चार्ज है। फ़ोन को चालू होने के लिए हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है कम से कम 3.7 होना चाहिए। अगर 3.7 होगा तभी हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन होगा, नहीं तो हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं होगा। मोबाइल फ़ोन पूरा पैनल पीछे का खुल गया है, ये पीछे का बैक है, इसको हटा देंगे। उसके बाद ये बैटरी है, बैटरी को डिसकनेक्ट करेंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि फ़ोन में बैटरी निकाल के लगा दो चालू हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को चेक करेंगे। बैटरी को कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर से। आपका पत्ता ख़राब हो जाता है और ना पीने ख़राब हो जाती है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका एक पिन टूटा हुआ है, दिख रहा है? ऐसा नहीं जो ये भी टूटा हो, ये भी टूटा हो, ना फ्रिज ख़राब हो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना पूरी दम से ताकत लगा देते हैं तो पूरी इसी भी जान लगा देते हैं ऑन ऑफ पर जब मोबाइल फ़ोन नहीं चालू होता। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर सेट करेंगे। 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद पहला काम है आपको बैटरी चेक करना है। बैटरी चेक करेंगे, बैटरी चेक करने पर कितना वोल्टेज आएगा, 3.7 वोल्टेज आएगा। बैटरी डाउन है, पहली बात तो ये है ना, बैटरी डाउन है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे। बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद बैटरी कनेक्टर में चेक करेंगे तो बैटरी कनेक्टर में बीप नहीं आनी चाहिए। पहले ग्राउंड से चेक करेंगे, इसमें देखेंगे ये पिन पे बीप आ रही है, इस पिन पे वैल्यू आ रही है, तो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। फिर इनको आपस में चेक करना, एक तरफ से वैल्यू आ रही है, दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं आ रही, मतलब हमारा मदरबोर्ड सही बता रहा है। हो सकता है इसका बैटरी डाउन है, हो सकता है इसका ऑन ऑफ स्विच ख़राब है। अब बैटरी डाउन है तो बैटरी के लिए तुमको फ़ोन को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। ये होना पत्ता ख़राब हो सकता है क्योंकि इसका बटन है टिकली है टूटा हुआ, दिख रहा है ना, ये डैमेज है, ये भी डैमेज लग रहा है, तो हो सकता है पत्ता ख़राब हो। पत्ता ख़राब होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पत्ते को हम लोग हटा करके बदल देंगे और 30-40 रुपये का पत्ता आता है। अगर आप इसको रिपेयर कर देंगे तो रिपेयर करने का मतलब जानते हो, पहले जैसा नहीं हो सकता। ये पत्ता 20-30 रुपए का आता है तो सीधे सीधे हम लोग चेंज कर देंगे, या कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर आपको पैसा कैसा देता है। अगर कस्टमर कहता नहीं भाई चेंज कर दीजिए तो आप क्या करोगे, चेंज कर दो। चलिए पत्ते को हटाने से पहले हम लोग इसकी बैटरी को चार्ज करते हैं। चार्जर लाइए ज़रा, कोई भी मोबाइल फ़ोन का चार्ज चार्जिंग पर लगाएंगे। चार्जिंग में लगाने के बाद देखेंगे इसमें, हाँ चार्जिंग बता रहा है। चार्जिंग बताने का मतलब क्या है, चार्ज हो रहा है। हो सकता है इस मोबाइल फ़ोन का ऑन ऑफ का लगता है पत्ता ख़राब हो गया है। ऑन ऑफ का पत्ता ख़राब हो जाने के कारण से मोबाइल फ़ोन क्या ऑन नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ पत्ता शॉर्ट हो गया है। ज़्यादातर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, हाँ चार्जिंग तो पकड़ लिया, चार्जिंग इंडिकेशन आ गया, लेकिन ऑन ऑफ का इंडिकेशन मुझे लगता नहीं ख़राब है। ख़राब हो गया है, क्यों ख़राब हो गया, क्यों इसका ये पत्ता ख़राब है, ये पत्ता डैमेज हो गया। ये पत्ता डैमेज होने के कारण से हमारा मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑन ऑफ स्विच के पत्ते को पूरा नया डाल देंगे। चाहे तो हम लोग इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर करने में वो वैसा नहीं रहता जैसा पहले जैसा है। तो पहले जैसा करने के लिए तो सीधे पत्ता ही डाल दो, 20-30 रुपए का पत्ता आता है, 10 रुपए का स्विच आएगा, 30-40 का पत्ता डाल दो, बढ़िया हो जाएगा।
डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का कस्टमर से कम 300-400-500 रुपए तक लिया जाता है। तो अगर 40-50 रुपए का एक्सपेंस लग रहा है और कोई मोबाइल फ़ोन चालू हो रहा है तो उसमें आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोशिश यही रहेगा कि आपका कस्टमर का मोबाइल फ़ोन ऐसा ठीक हो कि वो पहले जैसा हो जाए। तो पहले जैसे होने में अगर आप 50 रुपये ज़्यादा मांग लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। अगर वो पहले जैसी मज़ेदारी नहीं मिलेगी तो आपको 20 रुपये देने में भी 10 बार सोचेगा, और काम अच्छा हो जाएगा तो 150 रुपये देने में भी नहीं सोचेगा। वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, पैसा लग गया लेकिन फ़ोन उसका सही चलना चाहिए, है ना। अब हम लोग इस स्विच को क्या करेंगे, बल देंगे। तो ये हम लोगों ने बेसिकली चार्जिंग से ही चेक कर लिया, तो हमको मदरबोर्ड रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस स्विच में, ऑन ऑफ पत्ते में। हम लोग क्या करेंगे, ऑन ऑफ पत्ते को आसानी से इसको रिमूव कर लेंगे। ये स्विच अभी हम आपके सामने नया मंगाते हैं, नया मंगाने के बाद इसमें क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ये इसको हम लोग बोलेंगे ऑन ऑफ स्विच। क्या बोलेंगे? ऑन ऑफ स्विच। ये ऑन ऑफ स्विच समथिंग 10-20-30 रुपये 40 रुपये तक का आता है। इसको ला करके हम लोग नया लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका पुराना पत्ता है, और पुराने पत्ते का अगर ये टिकली ख़राब हो गई थी, हम लोग नया पत्ता मंगाए हैं और नया पत्ता लगा करके देखेंगे। बैटरी भी चार्ज हो गई है, बैटरी का पत्ता हटा दिया। ये ऑन ऑफ स्विच है, ऑन ऑफ स्विच का पत्ता फिर से लगा देंगे, ऐसे लगा दिया। उसके बाद बैटरी लगा दिया। ये पत्ता मात्र 30 रुपये का आया है। अब इस पत्ते को हम लोग क्या करेंगे, ऑन ऑफ बटन दबाएंगे और मोबाइल फोन हमारा ऑन हो गया। तो इस मोबाइल फोन में क्या खराब था, ऑन ऑफ का पत्ता खराब हो गया था, क्योंकि आदमी उसी में ताकत लगा देता है, पूरा प्रेशर वही झेलता रहता है। अच्छा, ऑन ऑफ ये बटनें जो होती हैं प्लास्टिक की होती हैं, प्लास्टिक के बटन है, रोज आप उसको दबाओगे, जब काफ़ी पुराना हो जाएगा तो बटन का काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज हो गया तो क्या करना पड़ेगा, नया डालना पड़ेगा। इस ऑन ऑफ स्विच का पत्ता बदलने का मार्केट में कम से कम नहीं 250-300-200 रुपये लिया जाता है। ये पत्ता है 200 रुपये लेते हैं, लेकिन हम लोग मात्र इसमें 30 रुपये लेंगे, क्योंकि 30 रुपये का पत्ता आया है। और हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इसलिए ठीक करते हैं, या फ्री में ठीक करते हैं, या सामान का पैसा लेकर के रिपेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन आएगा तो ज़्यादा रिपेयरिंग आएगा, ज़्यादा रिपेयरिंग आएगा तो आपको लाइफ केस स्टडी मिलेगा। वरना दुनिया जान में कोई भी आदमी, अगर आदमी 15-20 हज़ार रुपये दे करके अगर चालू मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग में काम सीखे तो कभी ज़िंदगी में सीख ही नहीं सकता। क्यों नहीं सीख सकता, उसका बड़ा रीज़न है। अगर आप मेरे 3 मोबाइल फ़ोन भी डेड कर दोगे तो जितना तुमने दिया नहीं उतना मेरा घर से चला जाएगा, कहाँ से कोई सिखा पाएगा। इसीलिए सब लोग डेड मोबाइल फ़ोन में प्रैक्टिकल कराते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर 90% ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं रिपेयरिंग करते, वो किसी दूसरे पे डिपेंड है। मतलब दूसरा आदमी रिपेयरिंग करेगा, अगर कल को कोई फ़ोन नहीं बना तो चुपचाप रख लेंगे, फिर दूसरे से बनवा करके तुमको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर हम ही ट्रेनिंग देते हैं, हम ही सिखाते हैं, सारा सब कुछ हम ही है। कि ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे पे बात डालूंगा, नहीं भाई अभी रख जाओ, कल दूसरा आदमी आएगा तो वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ करूँगा सब मैं ही करूँगा, तो कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन फ़िलहाल चालू हो चुका है। देखिए अब इसका पासवर्ड क्या लगा ये हमको भी नहीं पता है, कस्टमर का मोबाइल फ़ोन है, ये अपना पासवर्ड डालेगा। अपना काम क्या था, मोबाइल फ़ोन को चालू करना, चालू हो गया। अब देखिए इस पत्ते को फिटिंग कैसे करी जाएगी, ये पत्ता फिट करने कैसे करेंगे, ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लगाएंगे कैसे। देखिए ये जो ऑन ऑफ स्विच का पत्ता होता है, इसके पीछे एक वाइट कलर का कंपनी स्टिकर लगा के देती है, ये गमिंग स्टिकर होता है। इस गमिंग स्टिकर को हटाएंगे तो ये हमारा पत्ता निकल करके बाहर आ जाएगा। देखिए है ना, ये गमिंग स्टिकर हटा दोगे तो चिपकने वाला मटेरियल निकल के आ जाएगा, आ गया। इसमें गम लगी होती है, वही वो वाला गम नहीं होता जिसमें दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है, वो वाला गम नहीं होता, इसमें चिपकने वाला गम होता है।
लग गया। देखो इसमें छेद बने होते हैं, ये छेद लॉक होते हैं, लॉक से लॉक मिला दोगे तो पत्ता ऑटोमेटिक बराबर बैठ जाएगा। अगर ऊपर नीचे पत्ता लगा दोगे तो कीपैड सही से दबेगा नहीं, बैठेगा नहीं। ये हमारा पत्ता लग गया, बढ़िया, ये भी काम कर रहा है, नंबर एक। अब इसको क्या करेंगे, पत्ते को लगा देंगे, लगा दिया बैटरी का पत्ता लगा दिया। अब लाइए इसका पीछे का जो भी सारा सामान है, हम लोग इसको कसते हैं। देखो बहुत तो ऐसे लोग होते हैं जब यहाँ पर पेंच नहीं लगाते, तो यहाँ पेंच नहीं लगाते तो स्पीकर अटैच नहीं होता, तो स्पीकर बजना बंद हो जाता है। वो फ़ोन तो पैक कर देते हैं लेकिन वो स्पीकर बंद कर देते हैं। ठीक, इसको ड्राइवर दीजिए। यहाँ पर पहले लगाओ क्योंकि यहाँ पर स्पीकर आपका अच्छे से अटैच होगा। अच्छा, स्क्रू लगाते समय इस बात का और ध्यान रखना होता है कि हमेशा जो बड़े स्क्रू होते हैं साइड में लगते हैं, छोटे स्क्रू बीच में लगते हैं, ये तो सारे एक बराबर के होने चाहिए। अगर तुम बड़ा स्क्रू बीच में कर दोगे वहाँ जगह है नहीं तो डिस्प्ले में जाकर घुस जाएगा, और डिस्प्ले में घुस जाएगा तो डिस्प्ले फूट जाएगा। ज़्यादातर जितने सारे नए लोग होते हैं वो डिस्प्ले का आध बहुत फोड़ देते हैं, क्यों स्क्रू कसते जाते हैं कसते जाते हैं कसते जाते हैं और डिस्प्ले में घुसड़ देते हैं। ये तो कट गया ना पता, तो प्रॉब्लम ये है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कस चिमटी घर में घुसो तो उसे घुसड़ देते हैं, पिन लगा देते हैं। अब लाइए इसका फिंगरप्रिंट वाला पत्ता लगा देते हैं। ये देखो टिकली, देखो जो निकला हुआ दिख रहा है, टूटा फूटा है, दिख रहा है, एसी का टिकली है। देखो बटन दब रहा है, बटन दब रहा है, दब रहा है। कभी भी किसी का कस्टमर का मोबाइल फ़ोन रिपेयर होने के लिए आएगा तो उसमें आप कभी अपना सिम ना डालें, क्योंकि अगर फ़ोन हो सकता है चोरी का हो, कोई लफड़े वाला हो, तो भी तुम्हारा दिक्कत हो सकती है ना। कभी भी कोई भी फ़ोन बंदे आए तो आप उस रिपेयर करने के लिए उसी बंदे का सिम मांगो। हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, ऑन हो गया। इस फ़ोन में क्या दिक्कत है, ऑनर स्विच का पत्ता खराब था। एमरजेंसी में जाओ, अब इसमें आवाज़ बढ़ा के देखो, आवाज़ बढ़ रही है, देखो बढ़ रही ना, ये घट भी रही है, माइनस भी हो रहा है ना, प्लस भी हो रहा है, मतलब वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों काम कर रहा है और तुम्हारा ऑन ऑफ तो काम ही कर रहा है। ठीक, तो आज दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि कैसे हमारे पास कोई डेड मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे चेक करते हैं, या एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में ऑन ऑफ पत्ता कैसे चेंज किया जाता है, इसका तरीका आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.